अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसके गर्दनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिंस देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली न डुली।
न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू पोछ छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो, अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी भी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाई। सास की जान में जान आई, अरे हाँ जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर ताता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोलमटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुखी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया, हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान में दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा,
तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े, रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा, अरे कम से कम में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की मां ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में काम ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है, आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नु की मां ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नु की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत
पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से पांच ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की मां ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, मां जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी पसंद की कहानियां सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर सजेस्ट करें। थैंक यू।